नमस्कार जी, आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राई, जिसके लिए हम बड़े साइज़ के दो आलू लिए हैं हमने, और इनको हम लंबे लंबे जैसे फ्रेंच फ्राई है उसे अपने कट कर लेंगे और इनको अच्छे से धो लेंगे, दो तीन पानी से धो के और एक टॉवल पे या कॉटन के कपड़े पे इनको इस तरह से फैला देंगे जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, एक टिशू की सहायता से इनका सभी सारा पानी सुखा लेंगे, अच्छे से सारा पानी सुखा लेंगे इनका। एक बर्तन में निकाल लेंगे इनको, इस पे दो छोटे चम्मच हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे आलूओं पे इक्वल कोटिंग हो जाए, सभी आलू पे अच्छे से हम कॉर्नफ्लावर की कोटिंग कर लेंगे, पतली सी कोटिंग हो जाएगी, अच्छे से हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे इनको। अच्छे से कोटिंग हो गई आलू पे, और इधर हमने पहले तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम डालेंगे जो हमने आलू को फ्रेंच फ्राई जो तैयार करके रखे थे वो डालेंगे, जितनी हमारी कढ़ाई में आएंगे इतनी हम डाल देंगे, करते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इन्हें अच्छे से तल लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे इनको, अब फ्राई करेंगे पहले हम 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे तल लेंगे। पलट करके हम 1 से 1.5 मिनट इनको लगातार चलाते हैं तल लेंगे, छलनी पे निकालेंगे ताकि जल्दी से ठंडे हो जाए। इनको ठंडा कर लेंगे थोड़ा, हमारे ठंडे हो गए 5 से 10 मिनट में अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, इसको फाइनल फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अब इनका कलर चेंज होने तक हम इनको फ्राई करेंगे, अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा तब तक हम फ्राई कर लेंगे, जैसे हमारे जार में मिलती है वैसे हम एकदम वैसा ही कलर तैयार कर लेंगे तल के। गैस हम फुली रखेंगे, घुमाते हुए इसको अच्छे से तल लेंगे, देखिए अच्छा सा कलर आ गया हमारे फ्रेंच फ्राई पे, ये बहुत ही क्रिस्पी हो गई है, देखिए अब इनको निकाल लेंगे। फ्राई बन के तैयार है, देखिए बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो गए, लास्ट में हम डालेंगे पिरपिरी मसाला, अगर आपके पास है पिरपिरी मसाला तो डाल दीजिए, नहीं तो नॉर्मल चाट मसाला भी डालेंगे, इससे भी बड़े अच्छे टेस्टी लगते हैं, सॉस के साथ इसको सर्व करेंगे।